नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन अपलोडर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और नेत्री प्रियंका चतुर्वेदी की। प्रियंका चतुर्वेदी जो कि टीवी डिबेट्स में आके चीख चीख के चिल्लाती हैं और भाजपा और मोदी जी पे आरोप प्रत्यारोप की छड़ी लगा देती हैं, वह प्रियंका चतुर्वेदी सोशल मीडिया में भी बहुत एक्टिव है, लेकिन वो फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए किस हद तक जा सकती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और उन्होंने अब खुद को ही एक्सपोज कर दिया है सबके सामने। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह फ़ोटो दिखाना चाहूँगा, आप ये फ़ोटो देखिए। असल में प्रियंका चतुर्वेदी ने इस फोटो को ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा कि यह बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया जब वे सिद्धि विनायक मंदिर के बाहर थी। और सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई के बाहर यह बच्चा दौड़ते हुए उनके पास आता है, जिसका नाम अंश है, वह 10 साल का है। और यह बच्चा जो है उनका फ़ैन बताता है, बोलता है कि मैं आपकी टीवी डिबेट देखता हूँ, मैं आपका फ़ैन हूँ, आपकी टीवी डिबेट मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप न्यूज़ में बहुत अच्छा बोलती हैं और मैं आपका फ़ैन हूँ। और प्रियंका चतुर्वेदी कहती है कि मैं बहुत खुश हुई और इस बच्चे ने मेरा दिन बना दिया। आपको क्या लगता है कि यह बच्चा इतना समझदार होगा 10 साल का अंश कि ये प्रियंका चतुर्वेदी के टीवी डिबेट देखता हो और उसका ज़बरदस्त फ़ैन हो और वह दौड़ता हुआ उसके पास आ गया और कहने लगा कि मैं आपका फ़ैन हूँ, मैं आपकी टीवी डिबेट देखता हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है? प्रियंका चतुर्वेदी ने कहानी बहुत ही अच्छी बनाई। अब मैं इसकी सच्चाई बताता हूँ, प्रियंका चतुर्वेदी ट्रोल होनी चालू हो गई, लेकिन उसी समय इस बच्चे के चाचा ने प्रियंका चतुर्वेदी के इस ट्वीट को टैग करते हुए रिप्लाई किया कि यह बच्चा जो है अंश, यह असल में मेरा नेफ्यू है और इस बच्चे को मैंने ही आपके पास भेजा था और इस बच्चे को मैंने आपके पास भेज के कुछ सवाल पूछने को बोला था, जिसके जवाब देते प्रियंका चतुर्वेदी को नहीं बना, वे फेल हो गईं। और प्रियंका चतुर्वेदी ने यह फ़ोटो कब खींच ली पता ही नहीं चला और इस फ़ोटो का यूज़ करने लगी अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए और न्यू टाइमर्स और न्यू वोटर्स को लुभाने के लिए। जी हाँ, असल में इस अमर के नामक शख्स, जिसकी आईडी आई एम नॉट इमोर्टल है, इन्होंने बताया कि इस बच्चे को तो पता भी नहीं है कि प्रियंका चतुर्वेदी कौन है। उसने उन्हें यह बोल के भेजा था कि यह NIC में मैथ्स की टीचर है, तो इनसे जाके ये सवाल पूछो। उस बच्चे को तो पता ही नहीं था कि INC क्या है। उस बच्चे को लगा कि INC किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नाम है जहाँ पर ये मैडम है। और प्रियंका चतुर्वेदी से वो सवाल पूछने चला गया, जहाँ पे वो फेल हो गई और इस बच्चे की फ़ोटो साथ में खींच के ट्वीट करके ये पॉलिटिक्स खेलने लगी, जिसे सोशल मीडिया के लोगों ने नाम दिया कांग्रेस का बच्चा फ़ोटो घोटाला। जी हाँ, कांग्रेस का बच्चा फ़ोटो घोटाला करार देते हुए इसमें लिप्त पाया है प्रियंका चतुर्वेदी को लोगों ने और यूज़र्स ने, जिसकी कि मैं आपको सूचना दे रहा हूँ। और आपको यह जानकारी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में प्रियंका चतुर्वेदी और इस बच्चे के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा और कांग्रेस के इस बच्चा फोटो घोटाले के बारे में भी अपनी राय देते हुए अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद। मैं आपका दोस्त नितिन अपलोडर अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए।